बचपन से अब तक बिना पैसे दिए कहाँ कहाँ से आप भागी हैं? कहीं से भी नहीं। अरे बाप इसके रे, अंदर तो मैंने ये रोल प्ले किया है, बट नो, ये चीज के बारे में मैं थोड़ी सी पर्टिकुलर हूँ। मैं किसी के हक के पैसे नहीं मारती, मजाक में भी नहीं करूंगी ये मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, यू नो, मुझे हाय से बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने ये कभी नहीं किया है। तो ये बताइए, कोई क्रेजी फैंटेसी जो आपने की है या आपको करनी है अपनी रियल लाइफ में? वेल, ऐसी तो बहुत सारी फैंटेसी है जो करनी है रियल लाइफ में, बट वो एज एंड वेन जब फुलफिल हो जाएगी तब मैं बताऊंगी, क्योंकि चीजें होने से पहले मैं उसे शेयर करने में बिलीव नहीं करती। ओके, ऐसी कोई फैंटेसी जो आपने कर ली है और आप बताना चाहती हैं? कर ली है, मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का बहुत शौक है, तो और मुझे हाइट से डर लगता है, बट मैंने फिर भी पैराग्लाइडिंग की थी अपनी लाइफ में, तो आई थिंक दैट इज वन एडवेंचर। मुझे रोलर कोस्टर से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, बट बहुत हिम्मत जुटा के मैंने एक बार रोलर कोस्टर पे भी बैठी हूँ, सो आई थिंक दैट हैज बीन वन एडवेंचर। सो आई अभी जब मैंने अभी जनवरी में ही फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे वी हैड गॉन टू द गिर फॉरेस्ट गुजरात फॉर हर बर्थडे, वहां पे हम जंगल सफारी में गए, जहाँ पे मैंने लायंस को इतनी क्लोज अप्रोक्सिमिटी से देखा है, सो दैट वॉज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आई लव, मेरे को हमेशा से था कि मुझे एक टाइगर पालना है, बट ऑफकोर्स हमारी कंट्री में वो अलाउड नहीं है, बट तो इतनी क्लोज, यू नो, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना उनसे वॉज अगेन अनदर फैंटेसी बींग फुलफिल्ड। सो बहुत सारी चीजें वैसे तो अल्लाह के फजल से फुलफिल हो गई है। ओके, आप कितने भाई बहन हैं जो एक साथ रहते हैं जरिए अपने घर पे? हम सिर्फ दो ही है, मैं और मेरी छोटी बहन और अभी अच्छा, मम्मी है। तो देखिए, हो सकता है दोनों को घर साफ रखने की आदत हो या फिर दोनों मस्ती में। और तो मुझे बताइए कि आपको किसमें ज्यादा रुचि? हाँ नो, माय सिस्टर, शी इज अ क्लीनलीनेस फ्रीक। हाँ मेरा इतना कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज साफ ही चाहिए, मेरा ये है कि बस सामने ऐसी कुछ गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, उसको मैं बाद में कहीं छुपा दूं वो चलेगा, बट माय सिस्टर इज अ क्लीनलीनेस फ्रीक एंड सो इज माय मदर। तो इंटरव्यू के पहले आप पीछे का बैकग्राउंड पूरा साफ करती हैं मेरी तरह? ताकि कुछ नजर नहीं आ जाए। साइकिल दिख रहे हो वो तो चलो ठीक है मुझे? ना, वो इतना खराब नहीं लग रही, हाँ वो भूल गई पीछे से निकालना, वो देखो पड़ा है पीछे चार्जर के। हाँ तो सफाई आपके लिए है क्या? मतलब सिर्फ छुपा देना है, डीप क्लीन है, क्या है? थोड़ा मुझे समझाइए। सफाई बहुत अच्छी बात है, मैं पर्सनल हाइजीन में बहुत बिलीव करती हूँ, बट ये मतलब यू नो रूम वूम का सफाई एंड ऑल दैट, आई एम ओके अगर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाए, मतलब इतना मेरे में वो नहीं है कि रोज ही करना है, तो या देखो, आई एम ओके विद दैट। इंटरव्यू देखने वाले बोलेंगे यार गंदी है जरीन, गंदा रखती है अपना घर। है मुझे, मैं कौन सा, मतलब मैं थोड़ी ना कहीं जाके मतलब ऐसा काम कर रही हूँ जब मैं बहुत, मैं वैसे भी तो 24 घंटा अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में घर में ही बैठे हैं, तो वैसे भी गंदे तो हो नहीं रहे हैं, तो इट्स ओके ना, ऑल्टरनेट डेज, माय पर्सनल हाइजीन इज टू द टी, बट रूम वूम जो है वो अगर एक दिन छोड़ के एक दिन करेगा, आई डोंट थिंक इट्स अ हाफ। अच्छा, किसी किसी को ना घर का कोई एक हिस्सा साफ करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी को किचन, मेरे को बाथरूम साफ करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है बाथरूम और बेसिन साफ हो। आपका कोई ऐसा घर का हिस्सा जो आप दिल से साफ करती नहीं, हैं? मैं सिर्फ अपना बेड साफ रखती हूँ क्योंकि उस पर मैं रात में सोती हूँ, सो दैट्स इट। बाकी आसपास मैंने कहा ना कि मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे ऑल्सो इफ आई क्लीन इट्स फाइन, इट्स नथिंग, मुझे इतना वो शौक ही नहीं है कि ये क्लीन व्लीन, वो तो अभी क्योंकि करना पड़ता है तो करते हैं, अदरवाइज आई एम नॉट रियली अ क्लीनलीनेस फ्रीक। आपके ट्रेलर में एक आई एम और वेरी गुड एट सॉन्ग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि ये क्लीन कर दो वो क्लीन कर दो, बट आई डोंट वांट टू डू इट मायसेल्फ।